Hi everyone, this is Kriya Contractor from Disha Education Consultancy. Disha Education Consultancy has an experience of 16 years in the field of admission guidance. MBBS abroad. So let's talk about why MBBS abroad has low NCI passing ratio. जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, वो NCI अप्रूव्ड है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है यानी उसका हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि उसका NCI पासिंग रेशियो क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट द NCI पासिंग रेशियो. अगर आपकी जगह मैं भी एक इंडियन स्टूडेंट होती एंड मैं MBBS पढ़ने कोई भी बाहर की कंट्री में जाती तो मैं भी यही सोचती कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ जिसका MCI पासिंग रेशियो ज़्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी इंडिया आके सेटल होना है, जिसके लिए MCI का एग्जाम क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ MCI पासिंग रेशियो पे से वी कैन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी? देखिए, जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं सिर्फ MCI पासिंग रेशियो पे किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट डिसलेक्ट करना एक राइट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप MCI रेशियो देखना ही छोड़ दीजिए या निगलेक्ट कीजिए, बट बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड अभी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इतनी सारी कंट्रीज़ है, जॉर्जिया, यूक्रेन, अर्मेनिया, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सारी ही WHO यूनिवर्सिटीज़ हैं, MCI रिकॉग्नाइज्ड है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है, स्टिल दे हैव लो MCI पासिंग रेशियो. ऐसा क्यों? लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स टेक अ फ्लैशबैक एंड थिंक कि ऐसा क्यों है. When we go to flashback, 2018 तक क्या था कि MBBS abroad का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल था. जो भी स्टूडेंट के 50% aggregate आते थे physics, chemistry, biology में with practicals, that student can apply for MBBS abroad. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये students अच्छे नहीं होते या इनसे clear नहीं होता, मैं सिर्फ in general बात कर रही हूँ कि ये इतना simple क्राइटेरिया था. कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, ना ही कोई नीट क्राइटेरिया था. एंड जो स्टूडेंट यहाँ से नीट दिए बिना जाते हैं, वहाँ जाके ऐसा भी होता है कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे 50% लाते थे पर वहाँ जाके दे स्कोर अबाउट 90-95% हो गए. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है. मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन जनरल बात कर रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से नीट दिए बिना जाते थे एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक, तो उनके लिए MCI का जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता था FMG का, वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता था. कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते थे एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक भी क्लियर कर पाते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है जो सेकेंड में क्लियर करते हैं वो नहीं अच्छा या नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो. एंड जब हम डेटा देखते हैं तो उस डेटा में हमें सिर्फ फ्रेश बच्चे नहीं मिलते FMG के एग्जाम में, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका सेकेंड अटेम्प्ट होता है या थर्ड अटेम्प्ट होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया. एंड काफ़ी कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे बांग्लादेश है जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, MCI पासिंग रेशियोस काफ़ी अच्छे हैं पहले से, बिकॉज उनका जो पहले से क्राइटेरिया था वो अबव 70% था. एंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी रखा है जिनकी वजह से उनका FMG का रेशियो ज़्यादा था. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या ये एक सही क्राइटेरिया है किसी यूनिवर्सिटी को जज करना, नो इट्स नॉट. आप पहले तो ये भी देखेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करते हैं वो MCI अप्रूव्ड है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंडिया वापस आके एग्जाम देना है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी स्टूडेंट. एंड अगर आपको ऐसे कोई भी गाइडेंस की और ज़रूरत पड़ती है तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रीली ऑन द गिवन नंबर्स ऑन द स्क्रीन. हम यहाँ पे किसी भी पेरेंट को रॉन्ग गाइड नहीं करते या फिर उन्हें पर्टिकुलर स्टूडेंट टारगेट करके गाइड नहीं करते. वी गाइड यू इन ऑल द वेज एंड इट इज़ द ट्रूथ. वी गिव यू द रियलिटी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी सो दैट जो भी बच्चा वहाँ पे जाता है उन्हें ऐसा कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना मिले कि वहाँ जाके वो कुछ और देख रहे हैं, यहाँ से हमने कुछ और बोला था. वी गिव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट्स सो दैट सारे बच्चे जो यहाँ से जाते हैं वो वापस आके FMG क्लियर कर सके. एंड हम वही कंट्रीज रिकमेंड करते हैं जिनका MCI पासिंग रेशियो अच्छा होता है एंड बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे होते हैं.
So if you want more information, please call on this number shown on the screen. Thank you so much. And please like, share and subscribe this video. Thank you.